सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री फायर की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके वो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले जाके वो करिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस जैसे कि हमने देखा था कि हमने जो जो इमोट थे वो हमने लगा देते, लेकिन अब हम लगाएंगे थर्ड इमोट। तो आपको सबसे पहले थर्ड इमोट लगाने के लिए आपको थर्ड इमोट ले लेना है। गाइस मैं यहां पे थर्ड इमोट देख लेता हूं कहां है। सो गाइस मैंने ले लिया है यहां पे अपना थर्ड वाला इमोट। तो गाइस यहां पे भी हम प्ले करेंगे। जैसे ही इमोट स्टार्ट होता है वहां से हम काट देंगे, एंड जहां पे खत्म होता है वहां से भी हम काट देंगे। गाइस वो सीन मैंने पहले कर रखा है। तो गाइस यहां तक हमारा करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एक इमोट को सेलेक्ट करना है। इमोट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको चले जाना है। ब्राइटनेस को आपको -20 कर देना है, एंड यहां पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पे शैडो का ऑप्शन दिखेगा, शैडो को आपको 70 कर देना है। तो गाइस मैं आपको यहां पे 70 कर देता हूं। ऐसे करने के बाद आपको हर जो भी इमोट है हमारे उसमें आपको भी यही करना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, ब्राइटनेस को -20 करना है। -20 करने के बाद एंड गाइस यहां पे शैडो को आपको 70 पे कर देना है। और यहां पे 20 पे इसको रहने देना है। फर्स्ट वाले को भी यही करना है, थर्ड वाले को भी आपको यही करना है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं ये सब करने के बाद। सो गाइस मैंने यहां पे कर लिए हैं तीसरे वाले इमोट को भी एडजस्टमेंट में जाके सब कुछ, यानी कि ब्राइटनेस और शैडो को मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। गाइस अब आपको क्या करना है, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद मैंने आपको दो इफेक्ट के नाम स्क्रीन पे दिखा दिए, आपको वो दोनों इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले वाले इफेक्ट का नाम है ब्लेज, एंड सेकंड इफेक्ट का नाम है ऑटो एचडीआर। तो गाइस आपको सबसे पहले ब्लेज को ले लेना है। ब्लेज को लेने के बाद यहां पे ब्लेज को लेने के बाद अब आपको यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसा करना है, यहां पे आपको पैरों के पास ले आना है। देख सकते हैं यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पे आप अपने एडजस्टमेंट के से कर सकते हैं जितना आपको सही लगे। सो गाइस जैसे मैं यहां पे अपनी जो सेटिंग्स करूंगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। गाइस चलिए अभी मैं मिलता हूं अपनी सारी सेटिंग्स करने के बाद। तो गाइस देख सकते हैं मैंने जो अपने हमारी मेरी सेटिंग्स थी वो मैंने आपको कर दी है स्क्रीन पे शो। आप उसी के हिसाब से अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। एंड यहां पे आपको जितनी हमारी वीडियो है उतनी बड़ी हमें इसको कर देना है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले इफेक्ट को लेना है, लेयर में जाना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहां पे ऑटो एचडीआर वाले आपको इफेक्ट को ले लेना है। यहां पे लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। गाइस मैंने यहां पे फुल स्क्रीन कर दिया है। यहां पे कुछ इस तरह से लगा देना है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, यहां पे भी इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। गाइस अभी मैं कर रहा हूं, जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एंड गाइस देख सकते हैं मैंने यहां पे कुछ इस तरह से दोनों इफेक्ट को लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनी हुई है। अभी हमारे इस वीडियो में ना आवाज कुछ भी नहीं है। तो गाइस अभी मैं आपको ऑडियो में जाके अभी आपको जो मैंने म्यूजिक लगाया था, गाइस मैं आपको वो वाला म्यूजिक डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि वो म्यूजिक नो कॉपीराइट है। आप उस सॉन्ग को डालेंगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आएगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, वो वाला म्यूजिक को ले लेना है। गाइस मैंने उस म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से है। तो हम यहां पे प्ले करके देख लेते हैं। म्यूजिक को कट कर सकते हैं। गाइस मैंने यहां पे अपनी म्यूजिक को थोड़ा सा कट कर रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि म्यूजिक कैसे बजता है और मेरे कैसे म्यूजिक के हिसाब से हर बंडल चेंज
उसमें मोड चेंज होता है। बस मैं अभी यहाँ पे अपनी जो है देख लेता हूँ, अपने हिसाब से कर लेता हूँ। आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से अपने म्यूजिक को जो है कट कर लिया है। वैसे अगर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। गाइस जब तक ये फुल होती है आपको वेट करना है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।